कोविड-19 से जूझ रहे इस देश के एक हिस्से में अब एक नई समस्या के बारे में बात हो रही है, नदी में तैरती लाशें। लोगों का मानना है कि ये कोविड-19 से मरने वालों की लाशें हैं और नदी के आसपास की जनसंख्या इसको लेकर डरी हुई है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें और खबरें शेयर की जा रही हैं। यहां हम आपको एक ऐसी तस्वीर के बारे में बताने वाले हैं जो कि इसी संदर्भ में शेयर की जा रही है, मगर उसकी सच्चाई कुछ और ही है। इस तस्वीर को लोग यूपी और बिहार में गंगा के तटों पर मिल रही लाशों के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि ये तस्वीर 6 साल पुरानी है। जनवरी 2015 में उन्नाव के पेरियार के पास गंगा नदी में 2 दिन में 100 से ज्यादा लाशें मिली थी। इस तस्वीर का जब हमने रिवर्स इमेज सर्च किया तो गेटी इमेजेस पर हमें ये तस्वीर मिली। लाइव मिंट ने भी इसे रिपोर्ट किया था और बताया था कि पुलिस को किसी भी अपराध का शक नहीं हुआ था। ये थी उस तस्वीर की कहानी जो हालिया बताकर शेयर की जा रही थी और जिसे कई जगहों पर देखा गया। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि गंगा नदी में लाशों के मिलने की जो बात बताई जा रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1140 किलोमीटर में 2000 से ज्यादा शव मिले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक कन्नौज में 350, कानपुर में 400, उन्नाव में 2 जगहों को मिलाकर 900, फतेहपुर में 20, बलिया में 15, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर में 50 लाशें मिली। वहीं गाजीपुर में अभी भी शव मिल रहे हैं और अब तक 280 लाशें मिली हैं। इस रिपोर्ट में लगभग सभी जगहों के बारे में एक बात कॉमन है, वो ये है कि प्रशासन इन लाशों के सामने आते ही उन पर मिट्टी डलवा रहा है। किसी को भी नहीं मालूम है कि ये लाशें कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की हैं या मामला कुछ और है। कई मौकों पर इस वायरल हो रही तस्वीर के फैक्ट चेक को ये कहते हुए शेयर किया गया कि गंगा में लाशें मिलने की खबर फर्जी है। ऐसा कतई नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ इस एक तस्वीर की बात की जा रही है, पूरी की पूरी खबर गलत नहीं है।